सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम हिंदी मेधा का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तेनाली राम। बच्चों तेनाली राम एक बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम का बहुत सम्मान किया जाता था। उनकी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं, और आज हम उनकी चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे और बच्चों कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि तेनालीराम एक बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे, तो ज़रूर उनकी कहानी से, उनके किस्से से हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए इस किस्से को, इस कहानी को पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी, नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनाली रामन के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। एक दिन रात के समय तेनाली रामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनाली रामन समझ गए कि चोर आए हैं। तेनाली रामन बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? ये सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपाते तेनाली रामन के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनाली रामन पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ न पाए। पत्नी ने कहा, लेकिन कौन सी ऐसी जगह है? तेनाली रामन ने कहा, जो हमारे पास लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुनकर चोरों का सरदार बहुत खुश हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनाली रामन बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इसको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनाली रामन ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनाली रामन और उनकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास लाए। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। छपाक, जोर से आवाज हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर चले गए। तेनाली रामन और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने पर चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टियां और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए वे उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकल पाए। पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा। ये क्या, अंदर तो चिक्की के दो पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनाली रामन सचमुच चतुर है, उसने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनाली रामन अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? बहुत अच्छी कहानी है ना बच्चों? और देखा आपने, तेनाली राम ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी का प्रतीक किस तरह दिया है। हमें समझाया है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए,
बल्कि क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपनी समझदारी और चतुरता के साथ काम लेना चाहिए, है ना बच्चों। आपने देखा किस तरह तेनालीराम ने अपने सूखे हुए बगीचे की सिंचाई करवा दी चोरों से, कितनी समझदारी से, घर में चोरी भी नहीं हुई और कुएं से पानी निकलवा कर सिंचाई भी करवा दी। कुएं का पानी तो नीचे स्तर पर चला गया था, बगीचा सूखा पड़ा था, है ना, और चोरी भी नहीं हुई और चोरों ने मेहनत करके सारे बगीचे की सिंचाई भी कर दी, है ना। तो बच्चों क्या किया तेनालीराम ने, मुसीबत के समय, परेशानी के समय उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया, बुद्धिमत्ता से काम लिया, उन्होंने घबराहट से काम नहीं लिया, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ स्टेप लेना चाहिए, उस परेशानी को फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, है ना। तो बच्चों आपका गृह कार्य है कि आपको इस पाठ को, एक तो अपनी बुक से आपको पढ़ना है इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक रीडिंग भी लेंगे, लेकिन आपको अभी एक बार खुद पढ़ना है ताकि आप इस पाठ से कठिन शब्दों को छांट सकें। आपको पाठ से कठिन शब्दों को अंडरलाइन करने के बाद अपनी कॉपी में लिखने, जितने भी आपको शब्द इसके डिफ़िकल्ट लगें, जो जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे, जितने भी शब्द कठिन लगें, उन सभी को आपको कॉपी में लिखना है, अपनी हिंदी मेधा की कॉपी में, और शब्द अर्थों को भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, पाठ के कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे, जो कि आपको बुक से खुद अंडरलाइन करने हैं इनके, इसके कठिन शब्द, ठीक है बच्चों। और काम बहुत सुंदर होना चाहिए, सभी बच्चे बहुत सुंदर कार्य लिखेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, धन्यवाद।